नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। क्लिक करिए सब्सक्राइब के बटन पे और दबाइए बेल आइकन का बटन ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे YouTube के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला फैक्ट ये है कि जो YouTube था उसे क्रिएट किया था PayPal के एम्प्लॉयज ने एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में। तो वो कौन थे? वो थे चैड हली, स्टीव चैन और जावेद करीम। तो इन तीनों ने आज़ाद किया था YouTube को। और जो YouTube का पहला हेडक्वार्टर था वो था एक पिज़्ज़ेरिया और जापानी रेस्टोरेंट के ऊपर, जो कि था कैलिफोर्निया में। तो दोस्तों, दूसरा फैक्ट ये है कि जो पहली वीडियो YouTube पे अपलोड करी थी वो करी थी हमारे जावेद भाई ने, जो कि को फाउंडर YouTube के, जिसका नाम है मी एट द जू। तो दोस्तों, ये वीडियो अपलोड हुई थी 23 अप्रैल 2005 को, और जैसा कि आप देख सकते हैं, सैन डिएगो जू की एक वीडियो है। तो दोस्तों, तीसरा फैक्ट ये है कि YouTube जब लॉन्च हुआ तो उसके ठीक 18 महीने बाद Google ने उसे खरीद लिया $1.65 बिलियन में। ये उस समय Google की दूसरी सबसे बड़ी खरीद थी। तो दोस्तों, चौथा फैक्ट ये है कि जिस वूमेन ने अपना गैरेज दिया था लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को 98 में, जैसा कि आपको पता है कि लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इन्होंने गूगल, ये फाउंडर हैं गूगल के, और जी हाँ, गूगल एक गैरेज से ही निकला है। तो ये वुमेन है जिन्होंने दिया था अपना गैरेज। तो ये 2014 में CEO बनी YouTube की। तो इनका नाम है सूजन वोजेस्की, और ये ही है वो महिला जिन्होंने अपना गैरेज दिया था और आज ये CEO हैं YouTube की। तो दोस्तों, पांचवा फैक्ट ये है कि YouTube दूसरा लार्जेस्ट सर्च इंजन है पूरे वेब में, और फर्स्ट जैसा कि आपको पता है गूगल है, और एलेक्सा रैंकिंग के हिसाब से ये थर्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है पूरे वेब में। दोस्तों, छठा फैक्ट है YouTube के कुछ स्टैटिस्टिक्स। तो जो एवरेज टाइम है एक बंदा YouTube पे बिताता है वो है 40 मिनट, और जो YouTube वीडियोस हैं एक मिनट में होती हैं 400 घंटे की अपलोड। दोस्तों, जो एवरेज पे आउट है पर 5000 व्यूज का वो है $1.3, लेकिन आप ये सोशल ब्रेड की वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं कि 5000 व्यूज़ का कितना है। तो यहाँ पे CPM भी मैटर करता है, हर कंट्री का अलग होता है CPM, आपको देखना पड़ेगा। तो 0.15 USD के हिसाब से आपकी जो एस्टिमेट डेली अर्निंग है वो है 0.75 से $9 के बीच में। दोस्तों, आप YouTube पे नेविगेट कर सकते हैं मोर देन 75 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि कवर करता है 95% ऑफ द इंटरनेट पॉपुलेशन। दोस्तों, क्या आपको पता है YouTube पे मोस्ट सर्च ट्यूटोरियल कौन सा है? तो जो YouTube पे मोस्ट सर्च ट्यूटोरियल है वो है how-to kiss। तो ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा मोस्ट सर्च है और सब लोग इसको कुछ ज़्यादा ही देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइबर्स याद आया, क्या आपको पता है कि पूरी YouTube में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किस चैनल के हैं? तो YouTube पे जाइए और टाइप करिए PewDiePie। तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं PewDiePie के, ये एक व्लॉगर है, और ये हैं PewDiePie के 61 मिलियन सब्सक्राइबर और 3400 ज़्यादा वीडियोस हैं इनकी। और चलिए चलते हैं इनके चैनल पे। तो ये है PewDiePie का चैनल, जैसा कि आप देख सकते हैं 61 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, ये था पूरे YouTube का सबसे बड़ा चैनल जिसके पास है 61 मिलियन सब्सक्राइबर। तो क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा चैनल है? तो इंडिया का चैनल है टी सीरीज, जिसके पास है 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये है हमारा चैनल इंडिया का। तो हमारे चैनल ने करिए 12,000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड। हमारे देश का चैनल है टी सीरीज, जैसे आपको पता है म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बनाता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा चैनल ये है, और वर्ल्ड रैंकिंग में टी सीरीज सेकंड नंबर पे आता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रैंकिंग में टी सीरीज सेकंड नंबर पे आता है।
तो दोस्तों एक और फैक्ट है कि गंगनम स्टाइल की वीडियो, जैसा कि आपको पता ही है, गंगनम स्टाइल पहली ऐसी वीडियो जिसने 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस करे थे पूरी यूट्यूब की वीडियोस में। तो दोस्तों क्या था कि जो यूट्यूब था उसका जो व्यूज़ काउंटर था पर वीडियो वो था 2 बिलियन के आसपास, लेकिन जैसे ही गंगनम स्टाइल ने 1 बिलियन क्रॉस करे व्यूज़, यूट्यूब को दिक्कत आ गई। उन्होंने उसका इस गंगनम स्टाइल ने उनका व्यूज़ काउंटर तोड़ दिया। तो अब यूट्यूब ने क्या करा, यूट्यूब 32 बिट इंटीजर से हटा के उन्होंने अपना अपग्रेड कर लिया 64 बिट इंटीजर पे, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि बिलियंस ऑफ व्यूज आ सकते हैं एक वीडियो पे। तो दोस्तों जो लिस्ट है टॉप 100 मोस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियोस की, उसमें 100 में से 94 वीडियोस सब गाने की हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सारे गाने हैं 100 में से 94 पूरे पूरे गाने हैं जिनके ऊपर व्यूज़ आते हैं। तो आप इससे आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि अगर आप एक गाने की वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पे हैं वो है लुइस फोंसी की डेस्पासितो की गाने की, जिसमें है 4.8 बिलियन व्यूज़। ये आई थी वीडियो 1 साल पहले और इसने धमाका मचा दिया था पूरे यूट्यूब में। सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिसके हैं वो है 4.8। और दोस्तों एक और फैक्ट आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा लाइक्स जो वीडियोस पे आए हैं वो भी इसी वीडियो पे आए हैं, जो कि है 26 मिलियन लाइक्स। तो यही वो वीडियो है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं और सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ म्यूज़िक वीडियोस पर ही आते हैं, लेकिन टॉप 10 में मोस्ट व्यूड में ये एक ऐसी नॉन म्यूज़िकल वीडियो है जिसपे व्यूज़ आए थे 2.8 बिलियन व्यूज़। ये 6 साल पुरानी वीडियो है, ये 5वें नंबर पे आती है टॉप 100 की लिस्ट में, और ये नॉन म्यूज़िकल वीडियो है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई गाना वाने नहीं है, एक बियर और एक छोटी सी बच्ची है, एक कार्टून वीडियो समझ लीजिए। तो ये वो वीडियोज़ है। तो दोस्तों हम ऐसी तुरई में वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, कोई कोई तो ऐसी वीडियो होती है कि बिना बात के कुछ भी अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे ही यूज़र ने एक अपलोड करी थी वीडियो जिसका नाम है चार्ली बिट माई फिंगर, और इस पर थे सबसे ज़्यादा व्यूज जो कि थे 859 मिलियन व्यूज़। दोस्तों ये वीडियो करी थी 10 साल पहले, तो ये वो वीडियो है जो कि यूज़र ने करी थी ऐसी, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेके गई है एक यूज़र अपलोडेड वीडियो में। इसमें बच्चा एक दूसरे को काटता है बीच में, वो रोएगा फिर, ये है इस वीडियो में। तो दोस्तों यही वो वीडियो है। तो दोस्तों जैसा कि पता चल चुका है कि सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा लाइक किस वीडियो पे आए थे, लेकिन क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा डिसलाइक किस वीडियो पे आए थे? तो वो थी जस्टिन बीबर की बेबी के सॉन्ग की। सबसे ज़्यादा डिसलाइक जिस वीडियो पे आए हैं वो यही वीडियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 मिलियन डिसलाइक्स हैं, लाइक्स भी 8 मिलियन हैं लेकिन 8 मिलियन डिसलाइक हैं। तो इनका मिलियन और डिसलाइक दोनों का इक्वल ही है, लाइक और डिसलाइक का। तो सबसे ज़्यादा डिसलाइक इसी वीडियो पे आए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे YouTube के फैक्ट्स बड़े लगे होंगे, और बड़े लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप जा सकते हैं मेरे चैनल के फ्रंट पेज पे, या फिर जा सकते हैं सीधे प्लेलिस्ट में और चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका मन है देखने का। सीधे क्लिक करिए मेरी प्लेलिस्ट पे और देखिए आराम से वीडियोस, और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।